नमस्कार दोस्तों, आपको मेरे YouTube चैनल में फिर से स्वागत है जिसका नाम है बाय सेल सिग्नल सॉफ्टवेयर। तो अगर आप शेयर मार्केट में काम करते हैं और लॉस से परेशान हैं या फिर आप जितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं उतना रिटर्न आपको नहीं मिल रहा है तो थोड़ा सा टाइम निकाल के मेरा वीडियो को देख लीजिए, शायद आपके लिए कुछ बेनिफिट हो सकता है। आज को बैंक निफ्टी फ्यूचर के ऊपर बेस करके लाइव वीडियो बनाने जा रहा हूँ। तो आज का वीडियो में मैं होल डे में क्या परफॉर्मेंस दिया है निफ्टी या सॉरी बैंक निफ्टी, उसी का एक एक्सप्लेनेशन आपको देने वाला हूँ। जो हम लोग का सॉफ्टवेयर में कॉल कैसे बना, कैसे हम लोग ट्रेड किए, कौन कौन कॉल में ट्रेड किए और कहाँ पर ट्रेड नहीं करके लॉस से बचे। देखिए, प्रॉफिट करना जितना इम्पोर्टेंट है, लॉस को रोकना उतना ही इम्पोर्टेंट है। हर एक ट्रेडर यहाँ पर प्रॉफिट तो कर लेता है बट उस प्रॉफिट को सेव नहीं रख पाता है। तो इसीलिए जितना फोकस आपको प्रॉफिट करने के लिए देना है उससे ज़्यादा फोकस मेरे ख्याल से लॉस को रोकने के लिए देना है। अगर आप लॉस रोकना सीख गए प्रॉफिट ऑटोमेटिकली होने लगेगा। तो अभी देखिए, बैंक निफ्टी फ्यूचर का अभी ये लाइव चल रहा है, ऊपर में एलटी पे आपको अपडेट होते हुए दिखाई देगा। तो देखिए, एकदम बिगिनिंग से अगर समझाते हैं तो ये आज का फर्स्ट ओपनिंग कैंडल है। ये जो कैंडल पे ऊपर मैंने क्लिक किया हूँ, देखिए ऊपर में डेट एंड टाइमिंग शो कर रहे हैं। दिस द फर्स्ट कैंडल ऑफ टूडे। सॉफ्टवेयर ने फर्स्ट बाय का जो कॉल बना था यहाँ पर बना था। जब भी कोई कॉल बनेगा आपका स्क्रीन के ऊपर ऑटोमेटिकली एक पॉपअप आ जाएगा साउंड के साथ, और राइट हैंड साइड में देखिए लिखा हुआ है 42,698.4 में बाय करना है। ऊपर में T1, T2 एंड T3 बोल के टारगेट, नीचे स्टॉप लॉस। तो जब भी कोई सिग्नल बनेगा ऑटोमेटिकली उसका टारगेट स्टॉप लॉस लिख के आ जाएगा। अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन यही है, जो कॉल तो बहुत सारा बनता है, हम लोग कॉल को आइडेंटिफाई करेंगे कैसे? मॉर्निंग को ये जो कॉल बना था 9:40 पे, कैसे हम लोग कन्फर्म होंगे जो इस कॉल में मुझे ट्रेड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तीन कंडीशन बेसिकली आपको देखना है, ओनली थ्री पैरामीटर आपको चेक कर लेना है ट्रेड लेने का पहले। एक है बाय का कॉल का नीचे का जो रिवन है उसका कलर क्या है, ग्रीन है या रेड है। बाइंग का टाइम ऑब्वियसली ग्रीन रहेगा, तो ये आपका फर्स्ट कंडीशन जो मैच है। सेकेंड कंडीशन, बाय का कॉल का पहले एक स्टार बनना चाहिए। अब स्टार ऐसा भी हो सकता है अगले दिन से चल रहा है, देखिए यहाँ पर आपको स्टार नहीं दिखा रहा है, तो मैं थोड़ा सा चार्ट को पीछे करके दिखा देता हूँ जो लास्ट कौन सा स्टार हम लोग का सॉफ्टवेयर में देखे रखा है। देखिए यहाँ पर स्टार आपका जो चल रहा है ग्रीन स्टार यहाँ से चल रहा है, तो ये जो ग्रीन स्टार है इसका बाद कोई रेड स्टार मार्केट में आया नहीं है, तो ये बाय का कॉल में दोबारा ग्रीन स्टार नहीं आएगा, आपको कंसिडर करना पड़ेगा। ऑलरेडी जो स्टार का कंडीशन है वो मेरा मैच है, तो दो कंडीशन मैच हो गया। तीसरा एंड सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है नीचे का ये इंडिकेटर। ये जो इंडिकेटर है इससे हम लोग ब्रिक्स ब्रेकआउट कहते हैं। यहाँ पर जो ग्रीन ग्रीन टाइप का कैंडल दिखाई दे रही है ये ब्रिक्स पैटर्न है, ग्रीन बाइंग के लिए, रेड सेलिंग के लिए, ब्लू मतलब है ट्रेंड रिवर्सल हो रहा है। बट मेन जो फैक्टर है वो है मिडिल का ब्राउन कलर लाइन, ब्राउन कलर का लाइन का ऊपर इसका मूवमेंट होना चाहिए। तो जिस टाइम आप बाय करने जा रहे हैं ये तीन पैरामीटर आपको चेक करना है और कुछ नहीं। एक स्टार देख लीजिए है या नहीं, नीचे का रिबोन ग्रीन है या नहीं, और ये जो ब्रिक्स का ब्रेकआउट ब्राउन कलर का ऊपर मूवमेंट किया कि नहीं। अगर ये तीन पैरामीटर मैच होता है तब जाके इस कॉल को हम लोग एज ए स्ट्रॉन्ग कॉल बोल सकते हैं। अब इस कॉल में एंट्री लेने के बाद आपका टारगेट क्या रखेंगे, टारगेट कैसे हम लोग एज्यूम करेंगे? देखिए ऊपर में आपको एक ग्रीन कलर का डॉटेड लाइन दिखाई दे रहा है चार्ट का अंदर, ये जो ग्रीन डॉटेड लाइन दिख रहा है दिस इज द रेजिस्टेंस लाइन। तो रेजिस्टेंस आपको एक आइडिया देता है जो एक्चुअली मार्केट कितना मूवमेंट कर सकता है। देखिए इसको देखते हुए हम लोग टारगेट को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। अगर इसका अंदर मेरा टारगेट वन है तो मैं टारगेट वन के लिए खेलूंगा, टारगेट टू टारगेट थ्री इसका बाहर है तो ये मेरा एक्सपेक्टेशन का बाहर रहेगा। तो इस हिसाब से आप अपना टारगेट को सेट कीजिएगा। उसका साथ साथ आप नीचे का ब्रिक्स को भी देख सकते हैं। यहाँ पर जब ये ब्रेकआउट होकर नीचे आ जाता है तब आप अपना पोजीशन को छोड़ सकते हैं। जैसे इस कैंडल पे अगर आप देखेंगे, इन दिस कैंडल या फिर इस कैंडल पे, ये जो नीचे वाला जो ब्रिक्स है ये ब्रेकआउट हो चुका है। देखिए आगे चल के क्या होने वाला है किसी को भी पता नहीं है। अगर आपको दिखाई दे रहा है ब्रिक्स आपका नेगेटिव में जा रहा है तो पोजीशन को छोड़ देना ही बेटर रहेगा। अगर आप यहाँ पर भी पोजीशन को छोड़ देते हैं उसका बाद देखिए थोड़ा सा ही मार्केट ऊपर गया था टारगेट वन तक, उसके बाद रिवर्स अल्टीमेट कर दिया। तो एंट्री जितना इम्पोर्टेंट है प्रॉफिट कमाने के लिए, एग्जिट उतना ही इम्पोर्टेंट है। अभी देखिए यहाँ पर सेलिंग का कॉल बना था। अभी सेल का कॉल में क्या क्या चीज़, वही सेम कंडीशन, नीचे का रिवन का कलर को रेड होना चाहिए जो रेड है, ब्रिक्स ब्रेकआउट होना चाहिए जो हो चुका है, तो ये आपका सेकेंड कंडीशन। थर्ड कंडीशन स्टार बनना चाहिए, तो अभी भी स्टार वाला कंसेप्ट आपको मैच करना है। तो देखिए यहाँ पर स्टार नहीं बना था, जब तक नहीं बनेगा वेट करना है। जैसे इस कैंडल पे आपका स्टार बना मतलब यहाँ पर आके आपका कॉल कंफर्म हुआ, अब यहाँ पर एंट्री ले सकते हैं। बट मैं बार बार एक चीज़ बोलता हूँ, एंट्री ऑब्वियसली आप यहाँ पर ले सकते हैं बट दो चीज़ को टैली कीजिए। जहाँ पर आपका एंट्री हो रहा है वहाँ पर ब्रिक्स का जो ब्रेकआउट है ऑलरेडी एक रैली निकाल दिया है,
तो इस टाइप का सिचुएशन को थोड़ा सा समझ के खेलना है। जिस टाइम में ब्रिक्स का ब्रेकआउट हुआ है, अगर उसी टाइम मुझे एंट्री मिल जाता तो अब तक मैं पैसा कमा लेता, बट जहाँ पर मैं एंट्री लेने जा रहा हूँ वहाँ पर ब्रिक्स का एक रैली निकल चुका है, इसका बाद भी प्रॉफिट मिलता है, ऐसा नहीं मिलता नहीं है, बट आपको अलर्ट रहना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ से ग्रीन कलर का शुरू हो गया और जैसे ही ब्रिक्स इसका ऊपर चला गया, इसका मतलब है आपका पोजिशन को स्क्वायर अप कर लेना ही बेटर रहेगा। आगे क्या होने वाला है, नोबडीज नोस। देखिए इसका बाद यहाँ पर मार्केट ने टोटली साइडवेज कर दिया, यहाँ पर दो तीन कॉल बना, देखिए किसी में भी स्टार नहीं है, जो बाय बाय कॉल बन रहा है विदाउट स्टार, मतलब ये जो सिचुएशन है यहाँ पर मार्केट ने काफ़ी देर तक साइडवेज किया, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। हाँ, इस सेल का कॉल में आप बोल सकते हैं, बट इस सेल का कॉल में भी ट्रेड इसीलिए नहीं होगा क्योंकि सिग्नल का पहले जो ब्लू कैंडल है, हर एक सिग्नल का पहले एक ब्लू कैंडल बनता है, स्टार का कंसेप्ट तो चलिए आगे पहले से ही मैच है, बट ब्लू कैंडल का लो तोड़ने का बाद ही आपको ऑर्डर लगाना चाहिए, जो यहाँ पर हुआ नहीं था। तो ये जो सिचुएशन रहा है, देखिए टोटली साइडवेज मार्केट रहा और उसके बाद अल्टीमेट मार्केट गिरा है यहाँ पर सेल का कॉल। देखिए देखिए ये जो सेल का कॉल है, नीचे का रिबन वही रेडी है, ब्लू कैंडल का लो का नीचे मार्केट आया है और स्टार का तो कंसेप्ट पहले से ही चल रहा है सेलिंग में, तो स्टार यहाँ पर आएगा नहीं, अल्टीमेट मार्केट नीचे आ रहा है। अब जैसे बाइंग में देखिए, मैं पहले ही बताया था ऊपर का जो ग्रीन डॉटेड लाइन है रेजिस्टेंस है, वैसे सेलिंग में नीचे में जो रेड डॉटेड लाइन है वो आपका सपोर्ट है, तो यहीं पर मार्केट सपोर्ट को हिट करने का कोशिश करता, बट यहाँ पर मार्केट को चॉपी कर दिया। उसके बाद अल्टीमेट मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है, अभी वो सपोर्ट का तरफ ही जाने का कोशिश कर रहा है, तो मार्केट खत्म होने चला। आप तो यहाँ पर एंड मतलब वेट नहीं करेंगे, बट कंसेप्ट को समझना है, कॉल प्रॉफिट से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लॉस को रोकना। अगर आप लॉस रोकना सीख गए, कहाँ पर कॉल को अवॉइड करना ये सीख गए, प्रॉफिट ऑटोमेटिकली आप कमा लेंगे। हर एक ट्रेडर दिन में प्रॉफिट तो कमाता है, बट उसको पता नहीं चलता है कौन सा कॉल में खुद को सेव रखना चाहिए। तो कैसा लगा कंसेप्ट जरूर कमेंट करके बोलिएगा, और वीडियो खत्म करने का पहले एक बार बता देना चाहता हूँ, अगर आप इस मार्केट में न्यू है, अकाउंट ओपन करना चाहते हैं या हम लोग के थ्रू ज्वाइन होना चाहते हैं, जैसे हम लोग एलएच ब्रोकर के साथ काम करते हैं, बहुत ही अच्छा ब्रोकर कंपनी है, बहुत सारे फैसिलिटीज़ भी दे रहे हैं, अगर आप इंटरेस्ट आएंगे तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में अकाउंट ओपनिंग का लिंक मिलेगा, लिंक ओपन करके फॉर्म को सबमिट कर दीजिए, आपके पास एलएच ब्रोकर की तरफ से फ़ोन चला जाएगा, मन में जो भी डाउट है क्वेरीज है आप डायरेक्टली उनसे कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बोलिएगा, और अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए फ्रेंड सर्कल में, ताकि सबको वीडियो के बारे में पता चले। और अगर आप मेरा एग्जिस्टिंग क्लाइंट है, वीडियो को देख रहे हैं अभी भी, तो एक कमेंट जरूर कीजिए ताकि जो न्यू क्लाइंट है उसको इसका बेनिफिट के बारे में पता चले। देखिए अभी का जो मार्केट है, यहाँ पर कोई भी स्ट्रैटेजी आपको 100% रिजल्ट नहीं दे पाएगा, जनरली शेयर मार्केट में 100% रिजल्ट नहीं होता है, बट अगर आपका लॉजिक सही रहेगा तो आप 80-85% तक एक्यूरेसी आराम से यहाँ पर बना सकते हैं। तो कंसेप्ट कैसा लगेगा जरूर कमेंट करके बोलिए। थैंक यू।